अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। सेकंड ईयर के तमाम पेपर्स की तैयारी तो आपने कर ली और अब बारी है फर्स्ट ईयर की, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यहाँ यूट्यूब पर जब भी कोई लेक्चर डिलीवर करता हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज होती हैं और तमाम स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज को देखें, तो इसी के लिए अब मैं स्नैप वीडियो पर भी अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगा और छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिसमें ट्रिक्स होंगी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जॉब्स के हवाले से, अकाउंटिंग के शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया जाएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, बैंकिंग भी होगा, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग भी होगा। और यकीन जानिए बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, साथ साथ करियर काउंसलिंग के हवाले से भी वहाँ वीडियोज अपलोड होंगी। तो आप स्नैक वीडियो पर मेरे इस कोड को, और सबसे जरूरी बात, कॉमर्स ऑनलाइन को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। याद रखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लिहाजा हमें भी हर जगह तालीम को फैलाना है, तो तालीम को स्प्रेड करने के लिए आप मेरी हेल्प कीजिए और कॉमर्स ऑनलाइन को स्नैक वीडियो पर फॉलो करें। अब चलते हैं अकाउंटिंग के एमसीक्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूं कि इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स का सॉल्व मॉडल पेपर, इकोनॉमिक्स अगेंस्ट पेपर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स अगेंस्ट पेपर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का सॉल्व मॉडल पेपर, ये तमाम चैनल पर मौजूद हैं और आई एम श्योर स्नैक वीडियो पर आपने मुझे अब फॉलो कर लिया होगा और वहाँ पर भी बहुत सी स्मॉल स्मॉल वीडियोज होंगी, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए जरा अकाउंटिंग के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, जिसके बाद मैं पास पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इज द राइट आंसर। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, अच्छा एटलीस्ट टू अकाउंट दो ट्रांजेक्शन को इफेक्ट करती है, ये आपके पास ड्यूल एंट्री कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन तीन अकाउंट्स को इफेक्ट करे तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन द पेमेंट ऑफ रिसीप्ट्स ऑफ कैश इज पोस्टपोन्ड फॉर फ्यूचर डेट, अभी फ्यूचर डेट के लिए ट्रांजेक्शन है, यानी पैसे बाद में देंगे, तो ये आपके पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। नेक्स्ट आपके पास है द अमाउंट विथ विच द ट्रेडर स्टार्ट्स बिजनेस इज नोन एज, कैपिटल होता है और एंट्री बनती है हमारे पास, अगर कैश लेकर आ रहा है तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऑफिस फर्नीचर लेकर आ रहा है ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश और कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट है द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, अभी वो पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तो हमेशा ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो असल में एक क्वेश्चन है जो आपके पास एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपके पास बेसिक इक्वेशन है। अब एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका मतलब ये लाइबिलिटीज और कैपिटल को प्लस करो एसेट आएगा, ये वाली तो ठीक है। अच्छा अब अगर ये कैपिटल प्लस में इक्वल किस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करें क्या बचेगा लाइबिलिटीज, तो इसका मतलब पहली वाली भी सही है। अच्छा अभी अगर ये कैपिटल प्लस में है, इक्वल किस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करूंगा पीछे क्या बचेगा कैपिटल, इसका मतलब ये कि आपके पास ये वाली इक्वेशन भी सही है। तो जो थर्ड इक्वेशन है ना जिसमें बोल रहा है एसेट्स को प्लस कर दो लायबिलिटीज में, ये वाली गलत है, हमें गलत बतानी है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, अभी करंट लायबिलिटी कौन सी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, सैलरीज पेबल करंट लायबिलिटी है, अनअर्न रेंट करंट लायबिलिटी है, मॉर्गेज पेबल या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर आपने अदा करनी हो, तो ये सारी की सारी आपके पास करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू, याद रखिएगा आप कॉमर्स ऑनलाइन चैनल देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्नैक वीडियो पर, कॉमर्स ऑनलाइन को लाजमी फॉलो कीजिएगा, मेरा कोड आपके सामने आ रहा है और ये कोड लाजमी इनपुट कीजिएगा, एजुकेशन को स्प्रेड करें और उस एजुकेशन को स्प्रेड करने में मेरी हेल्प करें। द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू का अकाउंट है, देखो ये जो कमीशन रिसीवेबल है ना ये आपके पास एसेट है, कमीशन पेबल लायबिलिटी है, कमीशन अर्नड ये आपकी रेवेन्यू है, अर्नड कमीशन भी लायबिलिटी है। अच्छा नेक्स्ट बता रहा है इफ एसेट्स
Our firm are 59,250 and liabilities are 28,150. देखो हमारे पास बेसिक अकाउंट इक्वेशन क्या है, एसेट्स बराबर है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स बराबर है लाइबिलिटीज प्लूरल है प्लस कैपिटल। अभी मुझे कैपिटल मालूम करना है तो लाइबिलिटीज को एसेट में से माइनस कर दूंगा, हमारे पास है एसेट्स से 59,250 और लाइबिलिटीज है 28,150 और मुझे अभी कैपिटल को मालूम करना है तो इन दोनों को माइनस करूंगा आंसर आएगा 31,100। देन द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, ये एसेट नहीं है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भाई आपकी लाइबिलिटी होती है, याद रखिएगा बिल्डिंग फिक्स एसेट है, कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है। अभी द एक्ट ऑफ पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इज जनरल, इसको जनरलाइजिंग बोलते हैं और ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है, याद रखिएगा अकाउंटिंग साइकिल चैनल पर मौजूद है, आप उसकी वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड, इसको नरेशन बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं लिखते पेपर में आपके जनरल जनरल का सवाल है तो दो नंबर इसके होते हैं नरेशन के। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रायल बैलेंस, तो भाई इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, ये याद रखिएगा कि आपने जमा और माइनस सही किया या नहीं किया। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक, तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो कि दोनों तरफ लिखी जाती है, रिसिप्ट साइड पर भी और पेमेंट साइड पर भी। ऑल पेटी कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेटी पेमेंट्स, ये भी याद रखिएगा। द स्पान ऑफ टाइम फॉर विच अ बिजनेस जनरली प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, याद रखिएगा। और अकाउंटिंग पीरियड जो है ये नॉर्मली 12 मंथ्स का कोई पीरियड होता है। अच्छा कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर की 31 तक जो टाइम होता है उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकनसाइल, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है तो भाई ये बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से रिकनसाइल करेगा, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है द परचेज जर्नल, इज द परचेज जर्नल है तो परचेज जर्नल आर ओनली क्रेडिट, कैश पर कैश बुक में लिखते हैं और जब भी कोई चीज हम खरीद रहे होते हैं अगर वो एसेट है तो हम उस एसेट का नाम लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते, लिहाजा पहला ऑप्शन भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, थर्ड आप और सेल जो मर्चेंडाइज सेल जर्नल में लिखेंगे। द एक्सपेंस इनकर्ड बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर, इसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस पेएबल है, अभी अदा करना अभी बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी एसेट है, अनअर्न रेवेन्यू हमारी लाइबिलिटी है, रेवेन्यू विच हैज बीन अर्न्ड इन द करंट ईयर बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, अभी अभी अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं की, इसको बोलेंगे एक्रूड इनकम, याद रखिएगा एक्रूड इनकम हमारा एसेट है, बोलो क्या है एसेट है। शाबाश, आप कॉमर्स ऑनलाइन चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सी ऐसी वीडियोज आप देख सकें और हमारे स्नैक वीडियो को भी फॉलो करना ना भूलिएगा, ये कोड आपके सामने आ रहा है और इस कोड को लाजमी पुट कीजिएगा इन्विटेशन कोड में। इफ देयर इज अ नेट लॉस ऑफ 5,000 एंड रेवेन्यू आर 55,000 देन द एक्सपेंस आर, अभी देखो हमें पता है कि लॉस बराबर होता है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, ये याद रखना, जब भी लॉस होगा एक्सपेंस ज्यादा होगा रेवेन्यू कम होगी, हमने बोला भाई लॉस हमारा 5,000 है, एक्सपेंस मालूम करना है रेवेन्यू कितनी है 55,000, तो अब हमारे पास लॉस कितना होगा, ये माइनस के 55,000 इक्वल के इस तरफ जाएगा प्लस के 55,000 हो जाएगा, तो 5,000 प्लस 55,000 ये हमारे पास 60,000 आएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप, देखो मर्चेंडाइज का मतलब ये होता है कि वो सामान जो बेचने के लिए खरीदे, तो हमारे पास जो बायसाय के लिए वो स्टेशनरी शॉप के लिए मर्चेंडाइज नहीं है। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय, देखो कैपिटल अकाउंट कैसे इफेक्ट होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा, ड्रॉइंग जब आप पैसे कारोबार से लेके जाए कैपिटल अकाउंट कम होगा, नेट लॉस आपको लॉस हो रहा है कैपिटल कम होगा, लेकिन अगर आप परचेज ऑफ फर्नीचर करें तो आपके कैपिटल पर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है एसेट कम हो रहा है बैलेंस हो गया। द फॉलोइंग इज आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, तो अगर आप इक्विपमेंट परचेज करें कैश के ऊपर, देखो कैश के ऊपर बात हो रही है बैंक के ऊपर बात नहीं हो रही, तो लिहाजा ये अकाउंट बैंक स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का मतलब जिसमें सामान बेच रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, आपके पास ब्यूटी पार्लर मोटर वर्कशॉप एस्टेट एजेंसी, ये आपका कौन सा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है
आपका प्यारा बिजनेस है सर्विस बिजनेस। अच्छा, बाकी जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और ये तमाम जो चीजें हैं जो क्वेश्चन में आ रही हैं, ये तमाम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्ट्रैक वीडियो पर अकाउंटिंग इक्वेशन की एक वीडियो अपलोड की है, तो लिहाजा फॉलो कीजिए और वो वीडियो देखिए जरा, ताकि जल्दी से शॉर्ट में आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जो क्वेश्चन 2019 में आया है, 18 में आया है, और हाँ 2020 में भी इंशाल्लाह ताला आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।